हाय एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। और आज आपको साइंटिस्ट बनाने का मेरा पूरा 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 मैं हिसाब लेके आई हूँ कि कैसे आज आपको साइंटिस्ट बनाना है, साइंटिस्ट और मैं, और वो भी आपको कैसे। तो वही तो आज हमें देखना है कि हम कैसे साइंटिस्ट बन सकते हैं। जी, आप लोग एक बात जानते हैं, जब कोई भी चीज़ हम कोई नई चीज़ करते हैं या फिर कुछ भी हम करके दिखा देते हैं तो वो साइंटिस्ट बन जाता है। ऐसा ही होता है, कभी किसी टाइम पे बल्ब था ही नहीं और किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसा हो सकता है कि सूरज के बिना भी कोई ऐसी चीज हो सकती है, सन के बिना भी कोई ऐसी चीज हो सकती है जो आपको लाइट प्रोवाइड करा सकती है। लेकिन की ऐसा हुआ ना, बिल्कुल होता है। क्या कभी सोचा था कि चलने वाली नेचुरल हवा से, पेड़ों से आती हुई टकराती हुई हवा के अलावा भी हमें कोई हवा दे सकता है? बिल्कुल, फैन है, कूलर है, बिल्कुल है। तो भाई हर साइंटिस्ट ने कुछ ना कुछ सोचा और कुछ ना कुछ करके दिखाया। तो उसी तरह से जो कैपेसिटर होता है, जिसके बारे में अब तक हम पढ़ते हुए आए हैं, हमने अब तक पढ़ा है कि जो कैपेसिटर होता है वो चार्ज को स्टोर कर लेता है, चार्ज, वही चार्ज जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी लेके आता है, जिसकी वजह से आप इस फैन की बढ़िया मस्त एकदम हवा में बैठते हो, बल्ब की रोशनी में पढ़ते हो, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अभी आप जो यूज कर रहे हो आपका मोबाइल फोन, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चार्ज होता है। तो कहने का मतलब चार्ज को स्टोर करते हैं, भाई वाह कितनी बढ़िया बात है। फिर हमने देखा कि जो कैपेसिटर होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप से उनको डिवाइड किया जाता है वो भी हमने देख लिया था। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, आज हम सीखने वाले हैं कि अगर उन्हीं कैपेसिटर को हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से जोड़ने की कोशिश करें। भाई सोच के देखो, मैं आपको 100 रुपए दूं, आप कहेंगे 100 रुपए भाई वाह आज का खाना आ जाएगा, तो आप क्या कोशिश करोगे, 100 रुपए और मिल जाए और दिन का भी काम चल जाए। तो अगर मुझे ये पता है कि मेरा कैपेसिटर, एक कैपेसिटर बहुत चार्ज स्टोर कर लेता है और उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज कर सकते हैं, तो क्यों ना मैं बहुत सारे कैपेसिटर को यूज करूं, क्यों ना मैं बहुत कैपेसिटर को एक साथ जोड़ दूं, क्या मिलेगा मुझे? तो वही तो आज हम करने वाले हैं, उसी में ही तो मैं आज आपको साइंटिस्ट बनाने वाली हूँ। क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि अगर आप कैपेसिटर को सीरीज में लगाओगे या पैरेलल पे लगाओगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यही सारी की सारी चीजें आज हम सीखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम करने वाले हैं कैपेसिटर का। अपनी नोटबुक पेन सब कुछ बहुत अच्छे से लेके बैठ जाओ, अभी लेके बैठ जाओ, जब तक ये वीडियो चल रही है और जब तक ये वीडियो खत्म होगी आपको अपनी जगह से हिलना नहीं है। ये आज का आपका टास्क रहेगा। अगर आप सीखना चाहते हो, जो आज मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, जो आपके हर तरीके से इम्पोर्टेंट है, हर तरीके से आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, तो फटाफट से चलिए अपनी पेन लीजिए, अपनी नोटबुक लीजिए और फोन को एक ऐसी जगह, एक शांत सी जगह लेके बैठ जाइए जहाँ कोई भी नहीं है, कोई शोर नहीं है। क्योंकि आज हम करने वाले हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। ग्रुपिंग का मतलब समझते हैं, ग्रुप तो आपने देखा होगा क्लास में, बहुत ग्रुप होते हैं, बहुत सारे दोस्त आपस में बैठ के, मतलब आपस में बैठ जाते हैं, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं तो ग्रुप बना लेते हैं। जब वो दोस्तों का वो पूरा ग्रुप एक कैंटीन में जाता है, जब ग्राउंड में जाता है तो क्या हाल होता है, क्या वहां पे माहौल बन जाता है, ये सब आप जानते हैं। तो बस वही माहौल हमें देखना है कि जब हम ग्रुपिंग करते हैं कैपेसिटर की, जो कि चार्ज को स्टोर करता है, तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आइए फिर फटाफट से शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। टॉपिक का नाम है हमारा ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर हमारा क्या काम करता है, कैसे करता है, ये चीज तो आप जानते हैं, अब तक हमने पहले वाली वीडियो में बता दिया था। आज सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगी अगर आप इस कैपेसिटर को अलग अलग टाइप से जोड़ दें तो आपको क्या मिलेगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो ये ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स क्या होती है, चलिए जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, द कैपेसिटेंस आर ऑफ्टन कनेक्टेड इन सर्किट। आप जो रजिस्टर होता है, जो सॉरी कैपेसिटर होता है, उसको कनेक्ट कर सकते हैं सर्किट में। आपने देखा है ना कि जो फैन होता है वो टोटली सर्किट से कनेक्ट होता है और फैन में ही आप कैपेसिटर लगाते हो। तो जो कैपेसिटर है आपका वो किससे कनेक्ट होता है, वो कैपेसिटेंस आपका कनेक्ट रहता है सर्किट से। तो हमने कहा कि हम जो ग्रुपिंग कर सकते हैं कैन बी डन इन फॉलोइंग टू वेज। दो तरीके से हम उसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ वो होने वाली है आपकी सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी कि अगर कैपेसिटेंस को अगर आप सीरीज में लगा दे तो क्या होगा। सीरीज में लगाओगे तो कैसे काम करेगा, ग्रुप में अगर आप पैरेलल लगाओगे तो कैसे काम करेगा। सबसे पहले आपको उसके बारे में कुछ टर्म्स याद करनी है, आपको उसका डायग्राम याद होना चाहिए, देन उसके बाद उसके डेरिवेशन करोगे। 3 स्टेप्स ओनली,
टर्म्स पता होना चाहिए कि क्या चीज सेम रहेगी, क्या चीज आपकी डिफरेंट रहेगी। डायग्राम आपको पता होना चाहिए। और थर्ड स्टेप है उसका डेरिवेशन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टर्म के बारे में। सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में, कि आपको ये पता होना चाहिए क्या चीज सेम होगी और क्या चीज आपकी डिफरेंट होगी। तो देखिए, इन सच कॉम्बिनेशन, अगर हम बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन की, इन सच कॉम्बिनेशन ईच कैपेसिटर हैज सेम चार्ज। सारे कैपेसिटर पे सेम चार्ज होगा। क्यू चार्ज होगा। द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सीरीज इज एज। अगर चार्ज सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंट होगा, और वो पोटेंशियल क्या होगा वो अभी हम देखेंगे डेरिवेशन के थ्रू। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप से सीखने को क्या मिला, कि आपका जो चार्ज होगा वो सेम होगा, पोटेंशियल अलग होगा। पोटेंशियल अलग क्या निकल के आएगा वो हमें देखना है। सेकंड हमारे लिए होगा डायग्राम। तो डायग्राम समझो बेटा सबसे पहले। जिन बच्चों को डायग्राम समझ में नहीं आया वो शायद ना कर पाए। हमें क्या करना है, हमें लेने हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर को सीरीज में लगाना है सर्किट में। देखो कैपेसिटर क्या यही होता है? श्योर, कैपेसिटर यही है। तो ये मैंने दे दिया यहाँ पे नाम C1। एक और कैपेसिटर लगाया मैंने C2। एक और कैपेसिटर लगाया मैंने C3। इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, जो एक ही लाइन से सबका जुड़ा रहता है। इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे एक सर्किट से। सर्किट में मान लो कुछ भी जोड़ दो आप लोग, की वगैरह है, तो ये बन गया हमारा सर्किट। आपने बहुत बार दिवाली पे लड़ी देखी होगी। लड़ी देखी है ना भाई, वो जिसमें लाइट लाइट वाइट जलती है, उसको वायर को लगा देते हैं तो बहुत कलरफुल कलरफुल छोटे छोटे बल्ब होते हैं। सेम वो ऐसे काम करते हैं, वो सीरीज में लगे होते हैं, यानी कि एक ही वायर में सारे बल्ब लगे होते हैं। सीरीज की एक बहुत अच्छी खास बात है, अच्छी तो मैं नहीं कहूंगी पर है एक बात, कि अगर आप इसको वायर को बीच में से तोड़ देंगे तो आगे कनेक्शन पहुंचना बंद हो जाता है। आगे कनेक्शन पहुंचना क्या होता है, बंद हो जाता है, इसलिए ये सीरीज में होता है। अब इन्होंने कहा अगर आपने कैपेसिटर को सीरीज में लगाया है तो डायग्राम ये है। दूसरी बात जो इन्होंने कही, सब पे सेम चार्ज है, इस पे भी क्यू चार्ज है, इस पे भी क्यू चार्ज है, इस पे भी क्यू चार्ज है, बट इनके पास जो पोटेंशियल जा रहा है वो डिफरेंट है। तो इसके पास जो पोटेंशियल जाएगा वो V1, इसके पास जो जाएगा वो V2, और इसके पास जो जाएगा वो V3। ये आपका डायग्राम का कंप्लीट सब कुछ तैयार हो चुका है। जिन बच्चों के डायग्राम एक बार समझ में आ गया फिर उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले डायग्राम को अच्छे से देख लो। मैंने कुछ नहीं किया है, जो भी हमें बोला था सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज में मैंने क्या कर दिया, सीरीज में लगा दिया तीनों को। तीनों पे चार्ज सेम है, इसकी प्रॉपर्टी ने कहा था तो मैंने तीनों का चार्ज सेम कर दिया। देन उसके बाद कैपेसिटर तीन है तो अलग अलग ही होंगे, और वोल्टेज इनकी क्या रहेगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। अब सीरीज में है तो आप लोग जानते हैं वोल्टेज क्या हो जाएगी, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो अगर मुझे वोल्टेज निकालनी है, जैसे कि कहा गया है द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सीरीज इज एज, तो हमें अगर पोटेंशियल निकालनी है तो मुझे V1 V2 एंड V3 की वैल्यू निकालनी होगी। तो वो मैं कैसे निकालूंगी, देखो बच्चों सी क्या होता है, सी क्या होता है बताओ? सी होता है Q/V। अब Q तो मेरा कांस्टेंट है तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगी, इससे मैं क्या निकालती हूँ, V इज इक्वल टू Q/C। हमारे पास पोटेंशियल आ गया, तो अगर मुझे फर्स्ट के लिए निकालना है तो V1 मेरा क्या हो जाएगा, Q/C1। क्यों? क्योंकि Q तो सेम है। V2 क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा मेरा Q/C2। V3 क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा मेरा Q/C3। अब पुट, यहाँ पे आप लिखेंगे पुट ऑल दी वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डिफरेंट पोटेंशियल इन इक्वेशन वन। मान लीजिए ये इक्वेशन वन है तो रखो भाई वी, इस वी की जगह क्या आएगा, Q/C। इस सी को मैं एस लिख लूं ताकि पता लग जाए ये सीरीज वाला कैपेसिटर है। V1 की वैल्यू कितनी है, Q/C1, सेकंड की Q/C2 और थर्ड की Q/C3। देखने से ही पता लग रहा है तीनों में चार्ज सेम है, तो चार्ज मैं बाहर ले लूं, 1/C1, 1/C2, 1/C3, तो हमारी क्या आ जाती है, ये वैल्यूज आ जाती हैं। तो पता लगता है चार्ज से चार्ज तो कैंसिल, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यानी कि जरूरी नहीं है कि आपके पास यहाँ पे सिर्फ
ही कैपेसिटर हो, टू भी हो सकते हैं, तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, सिर्फ क्या करना है आगे इंक्रीज करते चले जाओ। अगर फोर भी होता तो 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 और जितने हैं उनको इंक्रीज करते हुए चले जाओ। तो भाई ये निकल के आ जाता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, आप देख सकते हो आपके सामने है। जस्ट सिंपली मैंने क्या किया है सीरीज कॉम्बिनेशन में, कुछ भी नहीं, सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने कहा कि हमें वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि वोल्टेज ही तीनों में क्या है अलग अलग है। तो अगर ये वोल्टेज की वैल्यू हमारी तीनों में डिफरेंट डिफरेंट दी गई है तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, V इज इक्वल टू होता है V1 + V2 + V3। तो मैंने कहा कि मैं V कहाँ से निकालूं, तो भाई हम जानते हैं, वी नो दैट C इज इक्वल टू क्या होता है मैथमेटिकली, C इज इक्वल टू Q/V। तो यहां से जब मैंने V निकाला तो V आया मेरा Q/CS, तो CS का मतलब क्या है सीरीज में है ये। तो मैंने यहाँ से V1 की वैल्यू निकाली, Q तो हमारा सब में सेम था तो क्या आया Q/C1, V2 मैंने निकाली तो आई Q/C2, V3 निकाली तो क्या आई Q/C3। तो मुझे तो क्या करना है इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो मैंने वैल्यू पुट करी, सिंपली V की थी Q/CS, Q/CS रख दी, V1 की थी Q/C1, Q/C1 रख दी, V2 की Q/C2 थी ये रख दी, 3 की हमारी Q/C3 थी ये रख दी। देखने से पता लगा कि तीनों में ही क्यू सेम है, तो क्यू मैंने बाहर ले लिया और हमारा कुछ रिजल्ट इस तरह से दिखने को मिला। तो फाइनल जो रिजल्ट आता है बेटा वो आता है ऐसा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए सिंपली के नॉर्मली जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो उसको नॉर्मली लिखा जाता है C1 C2 C3 / C1 + C2 + C3, यानी कि नीचे आप प्लस कर दो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका पूरा सिस्टम बन जाता है किसका, सीरीज का। सिंपली ऐसा होता है कि आप नीचे प्लस कर सकते हो ऊपर क्या कर दो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इस बात से हमें क्या पता लगा, इस बात से सबसे मेन जो हमें चीज पता लगी, ये तो हमें फॉर्मूला पता लग गया, अगर जब हम लोग इसे रिगार्डिंग जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, जब हमें इस तरह के कोई क्वेश्चन बना के दे दिए जाएंगे और हम उसे सोल्व करेंगे, तब हमें ये फॉर्मूला यूज करना है कि हमारा जो 1/CS होता है वो होता है हमारा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। लेकिन इससे हमें सीखने को क्या मिला, हमें क्या पता लगा कि क्या होता है और क्या नहीं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपसे इंटरव्यू में इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, आपसे कहा जाएगा बच्चे कि आपसे पूछा जाए कि अगर हम कैपेसिटेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दें तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है इन्वर्सली नीचे की तरफ, तो आप कहेंगे कि उसकी जो कैपेसिटी है उसका जो कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। कैपेसिटर को जब कैपेसिटेंस जो है उसको आप जब सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी क्या बताती है कि उसका कैपेसिटेंस सीरीज में आके क्या हो जाता है डिक्रीज। और उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है वो आपके सामने है, बिल्कुल ये इजी सा तरीका है, इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको जनरल जो फॉर्मूला है वो जनरल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और सब कुछ आपके हाथ में है, आप खुद देख सकते हैं, आसान है ना। तो इसका डायग्राम अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम को आप याद रखेंगे कि जब कोई चीज सीरीज में होती है तो कुछ इस तरह से जुड़ती है। और इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं, क्योंकि अगर बीच में से ये सर्किट कहीं से टूट गया तो जहां से टूटा है ना उसके आगे फिर काम करना बंद कर देता है। जैसे मैंने आपको बताया ना दिवाली पे हमारे पास कलरफुल जो बल्ब की वो लड़ियां होती हैं सीरीज में लगी होती हैं, अगर आप उसके बीच में से किसी बल्ब को हटा दोगे तो आगे वाले बल्ब जलना बंद हो जाते हैं। तो ये चीज समझ में आई। तो हमारे घर में जो ग्रुपिंग हो रखी है ना वो भी हमारी सीरीज की नहीं है, पैरेलल की है। अब वो पैरेलल कैसे होता है, कैसे उसको सोल्व करना है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उनके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। उससे पहले आप अपना काम क्या याद रखेंगे, सबसे पहले इस डेफिनेशन को जो हमारी सीरीज की है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, डेफिनेशन फर्स्ट स्टेप है, सेकेंड हमारा डायग्राम है और थर्ड हमारा डेरिवेशन है, ठीक है। और फोर्थ भी आप लिख सकते हो कि जो कैपेसिटेंस होता है वो डिक्रीज हो जाता है अगर आप कैपेसिटेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हो, ठीक है भाई। ये बिल्कुल एकदम क्लियर, एक बार प्लीज मेरे कहने से एक बार अपनी रफ नोटबुक में ये वाला डेरिवेशन करके देख लो, डायग्राम बना के देख लो। याद रखिएगा सीरीज में चार्ज सेम होते हैं, वोल्टेज अलग अलग होती है, कैपेसिटर तो है ही अलग अलग, C1 C2 C3, तो उस कैपेसिटर में चार्ज तो सेम होते हैं बट हमारी वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज हमारी अलग अलग होती है।
तो मेरे कहने से एक बार ये डेरिवेशन करके देख लो, नोट्स भी बना लेना। सीरीज हमारी ग्रुपिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब हम ग्रुपिंग देखेंगे हमारी कि किस तरह से हमारा जो चार्ज होता है, चार्ज कहने का मतलब हमारा जो ग्रुपिंग हम करते हैं ना, सेकेंडली हमारी ग्रुपिंग है जिसको पैरेलल ग्रुपिंग बोलते हैं, उस ग्रुपिंग के बारे में बात करेंगे। उसका जो डायग्राम है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है, तो आप कंपैरिजन कर पाओ इसलिए आपको ये डायग्राम पहले आना चाहिए कि सीरीज का कैसा डायग्राम है। अगर आपको इसका डायग्राम बनाना आ गया, एग्जैक्टली इसका सारा सिस्टम समझ में आ गया, तो कॉमन सी बात है, फिर आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा कि जो हमारा पैरेलल होता है उसमें किस तरह से आप इन चीजों को समझ पाओगे। ठीक है, आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? मैं सिर्फ आपसे ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपको एक बार ये सीरीज में बनाना आ गया तो पैरेलल में आप इजीली बना पाओगे। तो कोशिश करना कि जो सारा सिस्टम है उसको फटाफट से देख लो, कर लो। ये यहाँ पे भूलना मत किस तरह से ये बेटा कैंसिल इसलिए हुआ है क्योंकि जहाँ पे वोल्टेज है वो क्यू बाई सी एस है। अब क्यू बाई सी एस था और यहाँ पे भी सब क्यू क्यू थे, तो क्यू मैंने कॉमन ले लिया। देखो यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, तो क्यू कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा? 1/C1, 1/C2 और 1/C3, तो दोनों साइड क्यू था ना, तो दोनों साइड जब सेम वैल्यू होती है, इक्वल का साइन हो और दोनों साइड सेम वैल्यू, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाती है। तो आपके पास क्या बचा है? सीरीज में कैपेसिटेंस और सबकी वैल्यू अपॉन में, यानी कि इनवर्सली। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, मेहनत करो, फटाफट से इसको नोट डाउन करने के बाद इसकी प्रैक्टिस कर लो और जल्दी से भाग के आओ। अब शुरू करते हैं हमारा ग्रुपिंग इन पैरेलल। जाना नहीं है कहीं भी, अभी शुरू करेंगे, उससे पहले फटाफट से इनको पहले लिख लो, प्रैक्टिस करो, पॉज करो वीडियो को, एक बार मोबाइल को बंद करो, 5 मिनट लगेगी, मात्र 5 मिनट में आपका ये तैयार हो जाएगा, क्योंकि अभी ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फटाफट से करो, देन उसके बाद शुरू करते हैं हमारा पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटेंस। अब हम पक्का करेंगे हमारा एक और टॉपिक जिसमें हम जानेंगे कि हमारा जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटेंस होता है, उसको अगर ग्रुपिंग कर दिया जाए सीरीज की जगह पैरेलल में, क्योंकि सीरीज तो हमने देखा, सीरीज में तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो अगर मुझे उसकी वैल्यू इंक्रीज करने को मिल जाए तो कैसा रहे? बेस्ट ऑफ बेस्ट होगा ना, तो उसकी वैल्यू को कैसे मैं इंक्रीज कर सकती हूँ? यही तो हमें देखना है, यही तो हमें सीखना है कि इस जो हम ग्रुपिंग करने वाले हैं उसमें क्या क्या वैल्यू होगी। सबसे पहली बात तो आपको जो नोटिस करनी है, जैसा मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इसका जो फर्स्ट है, फर्स्ट स्टेप, 3 स्टेप्स बताए थे मैंने इसके आपको, कि जब भी आप कोई भी ग्रुपिंग करेंगे, जो भी आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे, चाहे वो सीरीज का हो चाहे वो पैरेलल का हो, सबसे पहले आप ये जानेंगे कि जो कॉम्बिनेशन आप कर रहे हैं उसमें एग्जैक्टली किस टाइप से पैटर्न बनाया गया है। क्योंकि आपको पता है जो हमारा कैपेसिटेंस होता है वो डिपेंड करता है चार्ज पर, पोटेंशियल पे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है ये चेकआउट करना कि जो कॉम्बिनेशन आप बना रहे हो उस कॉम्बिनेशन में चार्ज और पोटेंशियल अपना रोल कैसे अदा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने सीरीज में देखा, सीरीज में चार्ज सेम होता है ऑल ओवर द कॉम्बिनेशन ऑफ इन सीरीज ऑफ कैपेसिटेंस, यानी कि सीरीज में जो कैपेसिटेंस होंगे उनका सबका जो कैपेसिटेंस है वो सेम होता है, चार्ज सेम होता है। तो हमारा इसी तरह से हमें ये देखना है कि अगर उसमें चार्ज सेम था तो इसमें चार्ज अपना कैसे रोल बनाता है, किस तरह से सिचुएशन आती है, ये सारी चीजें देखना हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकेंडली, जैसे हमने सीरीज में देखा था, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एकदम जैसे सिंपली हम चलते हैं ना स्टेप बाय स्टेप, आमने सामने, ऐसे ही हमने क्या बनाए थे, तो कैपेसिटेंस को कंबाइन कर दिया था और उनको बोल दिया था ये हमारा क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ऐसे ही हमें क्या बनाना है, हमारा कॉम्बिनेशन बनाना है पैरेलल का और देखना है किस हिसाब से हमारा जो सिस्टम है वो अपना काम करता है। जल्दी से आइए और शुरू कीजिए, अपनी नोटबुक और पेन को ओपन कर लीजिए, मतलब नोटबुक को ओपन कर लो, पेन की कैप ओपन कर लो, कैप हटा लो, तो दोनों ही चीज ओपन कर लो अपना। तो शुरू करते हैं हमारा कॉम्बिनेशन, यानी कि हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज हम कर चुके हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, होगा सीरीज की तरह ही लेकिन उससे अलग है, तभी इससे अलग टॉपिक बनाया है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट, यानी कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी कॉम्बिनेशन को चेकआउट करने का, सबसे पहले हम वो चेक करेंगे कि कौन सी चीज हमारी सेम होगी और कौन सी चीज हमारी डिफरेंट हो जाएगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हमारी डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन में हमें बोला है, कंसिडर ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर
सबसे पहले पैरेलल कैपेसिटर को क्या कर लो, कंसीडर कर लो, वो मैं अभी कंसीडर करूंगी, वेट कीजिए 2 मिनट। हेयर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर विल सेम, वो इस बार हमारी जो वोल्टेज है वो सेम है। आप लिख भी सकते हैं शॉर्ट में, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज इज सेम, थ्योरी में लिखने की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैं लिख रही हूँ। देन बट चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटेंस, बट आपके जो चार्ज होंगे वो आपके क्या रहेंगे, डिफरेंट होंगे ऑल ओवर द डायग्राम। यानी कि इस बार पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज तो हमारा डिफरेंट होगा बट पोटेंशियल हमारा सेम होगा। तो कहा गया है कि भैया टोटल चार्ज निकालो कितने का होगा, तो मैं मान लेती हूँ कि जो टोटल चार्ज होगा वो क्यू होगा। तो भाई अलग अलग है तो एक क्यू वन होगा, एक क्यू टू होगा और एक क्यू थ्री होगा। अभी निकालेंगे देखो वैल्यू। तो हमने अपना फर्स्ट स्टेप तो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, हमने देख लिया है कि हमारा जो ये कैपेसिटेंस है जब हम उसको पैरेलल में बनाने की कोशिश करते हैं, जब हम उसको पैरेलल में कंबाइन करने की कोशिश करते हैं तो वो कैसे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वो अपने अंदर से पोटेंशियल तो सेम जाने देता है लेकिन उसके जो चार्ज की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है बेटा, वो हो जाती है आपकी डिफरेंट। अब बात करते हैं डायग्राम की। डायग्राम इस पूरे जो टॉपिक है, इस पूरे टॉपिक का रामबाण इलाज करा देगा। देखो भाई डायग्राम, सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाती हूँ। जब आपको मैंने सीरीज कराया था तो मैंने कहा था सीरीज तो ऐसे होता है और ऐसे ही होता था, सीरीज ऐसे होता था। तो अब मैं चलो मैं इसको इरेज नहीं करती ताकि आप इसको कंपेयर कर पाओ। तो हमें इसको सीरीज में नहीं बनाना है, हमें इसको कैसे बनाना है देखो, इसका डायग्राम थोड़े ध्यान से देखिएगा, डिफरेंट है कुछ इस तरह से इसका डायग्राम बनता है। ये हमारा फर्स्ट कैपेसिटेंस हो गया, इसको आप लिखेंगे C1। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप सेकेंड कैपेसिटर बनाएंगे, ये हमारा सेकेंड हो गया कुछ इस तरह से। जो थर्ड आप बनाएंगे, थर्ड आप यहाँ पे बनाएंगे कुछ इस तरह से। तो बच्चा लोग ये जो आपका कॉम्बिनेशन बन गया, इतना बनाने के बाद इसको जोड़ देना आप किसी एक सर्किट से, किसी की वगैरह से, तो ये आपका सर्किट कंप्लीट हो गया और ये बन गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये आपका यहाँ पे C1 हो जाएगा, हेयर इज C2 एंड हेयर इज C3। दीज आर द 3 कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल, सॉरी नॉट कॉम्बिनेशन, इट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ C1, C2 एंड C3। मींस हमारे जो 3 कैपेसिटेंस है उनका कॉम्बिनेशन है पैरेलल में। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, हेयर इज चार्ज इज डिफरेंट इन ऑल ओवर द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो चार्ज हमारा डिफरेंट डिफरेंट होगा, इसका चार्ज Q1 होगा, इसका चार्ज Q2 होगा और इसका चार्ज आपका Q3 होगा। जैसे हमारे सीरीज में हमने किया था, ये C1 था, ये C2 था, ये C3 था, लेकिन चार्ज ऑल ओवर क्या था, सेम था, पूरी सीरीज में सेम चार्ज जा रहा था बट पोटेंशियल डिफरेंट था। इसमें V1 था, इसमें V2 था और इसमें V3 था। तो इसमें वोल्टेज किस तरह से जाएगी, इसमें वोल्टेज सेम जाएगी बेटा, यहाँ भी वोल्टेज V है, यहाँ भी वोल्टेज V है और यहाँ भी वोल्टेज V है। समझ में आया दोनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहला जो इन दोनों में डिफरेंस है वो है इन दोनों की बनावट का, इनके डिजाइन का, इनकी शेप का। आप देख सकते हो दोनों की शेप में बहुत ज्यादा अंतर है, ये एक लाइन में है और ये ऊपर नीचे रखे गए हैं जैसे हमारे स्टेयर्स होते हैं, हमारे जीने होते हैं, एकदम सेम डिस्टेंस में। समझ में आई ये बात, दोनों में कंपैरिजन कर पा रहे हो आप? तो आपको सिंपली सबसे पहले क्या याद करना है, आगे का जो डेरिवेशन है ना, देखिए सेकंड स्टेप है, आगे का डेरिवेशन नथिंग है, बहुत आसानी से बहुत आराम से आप उसको कर पाओगे। सिर्फ जो मेन रोल है वो है आपका ये डायग्राम। अगर आपके डायग्राम समझ में आ गया और आपकी ये समझ में आ गया कि सीरीज में क्या सेम है क्या डिफरेंट और पैरेलल में क्या सेम है क्या डिफरेंट, तो आप फटाक से कर दोगे। तो अभी हमें पैरेलल पे ध्यान देना है। तो पैरेलल में जो है आपका, वो आपकी वोल्टेज तो ऑल ओवर अक्रॉस क्या है, सेम है, बट हमारे कैपेसिटेंस की जो चार्ज है वो क्या क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो हमें क्या करना है, चार्ज को डिफरेंट मानते हुए हमें सॉल्व करना है हमारा जो टोटल चार्ज है पूरे सिस्टम का वो। तो एक बार आप डायग्राम को अच्छे से एनालाइज कर लीजिए, एक बार अच्छे से बना लीजिए अगर आप अभी बनाना चाहते हैं या आप अभी बना रहे हैं। तो आपके सामने मैंने डायग्राम बना दिया है, डायग्राम इतना मुश्किल नहीं है, देखो ऊपर से नीचे तक है। जब सीरीज का बनाते हैं तो क्या होता है, सीरीज का बनाते हैं तो ऐसे सेम होता है ऐसे,
लेकिन पैरेलल में बनाते हैं तो ऐसे सेम है, एक ही लाइन में तो है, तो एक ही लाइन में, लेकिन ऊपर नीचे बना दिया गया है। तो ये जो थोड़ा सा ऊपर नीचे वाला सिस्टम है ना, ये थोड़ा सा इसको क्या बना देता है, डिफरेंट बना देता है। तो इन चीजों का आपको क्या रखना है, खास ध्यान रखना है। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाती हैं तो फिर हम शुरू करेंगे हमारा डेरिवेशन, जिसमें हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, द टोटल चार्ज फाइंड आउट करेंगे हम किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो शुरू करें, तो चलिए भाई शुरू करते हैं हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस का, सॉरी कैपेसिटेंस का। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, वी नो दैट, वी नो दैट, हम जानते हैं, और हम क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, हम जानते हैं सी इज इक्वल टू होता है क्यू बाय वी, है ना। ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला है कि चाहे आप लोग सीरीज करो चाहे आप पैलर करो, जो फर्स्ट आपका फॉर्मूला यूज होगा वो यही होगा, क्योंकि सीरीज और पैलर का तो बाद में आप अंदाजा लगाओगे, सबसे पहले आप इनको क्या करोगे, इक्वल करोगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सिंपली इसको इक्वल किया, हमारा जो फॉर्मूला है वो निकाला। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमारा जो चार्ज है हमें तो वो चाहिए, क्योंकि हमें चार्जेस निकालने हैं Q1, Q2, Q3। तो मुझे यहाँ से क्या निकालना है, चार्ज। तो इस फॉर्मूले से जब मैं चार्ज निकालूंगी तो वो निकल के आएगा मेरा CV, आएगा या नहीं। और इस CV के C के नीचे मैं छोटा सा लगा रही हूँ P। जैसे मैंने सीरीज किया था तो सीरीज करते टाइम पे मैंने C के नीचे लगा दिया था एक छोटा सा S, जो हमें ये बताता रहे कि जो कॉम्बिनेशन हम कर रहे हैं वो कॉम्बिनेशन हम सीरीज का कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पी इंडिकेट किया है, एयर सीपी इंडिकेटेड कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कैपेसिटेंस, कहने का मतलब ये हमें ये बताता है कि पैलर में लगा हुआ है। तो भाई हमें तो अलग अलग चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि चार्ज अलग अलग है, Q1 अलग है, Q2 अलग है, Q3 अलग है। तो यहां से इंडिकेट करते हुए मैं कह सकती हूं कि Q1 क्या है, C1 और V। अब मैं यहाँ पे पैलर फर्स्ट वाले की बात कर रही हूं, तो मैंने यहाँ C1 लिखा, लेकिन क्या मैं यहाँ V1 लिखूंगी, नो, क्योंकि वोल्टेज आप देखो हमारी कंडीशन ही यही थी ना कि अगर पैरेलल कैपेसिटेंस है तो बेटा वोल्टेज तीनों में क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो यहाँ आप V1 नहीं करोगे, सेम ऐसा ही हम निकाल सकते हैं Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, C2V आ जाएगी। ऐसे ही आप निकाल सकते हो Q3 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, C3V आ जाएगी। V3 V2 नहीं आएगा, V आपका कॉमन है पैरेलल वाले में, तो वोल्टेज हम क्या रखेंगे, वोल्टेज हम रखेंगे हमारी सेम। क्लियर। अब हमारे पास क्या आ चुकी है, हमारे तीनों चार्जेस आ चुके हैं, इसको आप इक्वेशन 1 रख दीजिए। अब आप लिखिए पुट ऑल दी चार्ज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में चार्ज की वैल्यू रख दीजिए, तो देखिए बेटा Q इज इक्वल टू क्या है, Q इज इक्वल टू आपका Q1, Q2 और Q3 है। तो जब मैं यहाँ पे रखूंगी, देखो ये वाला जो Q है वो कौन सा है, ये वाला, तो मैं इसको लिख दूँ CPV इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू क्या है, ये रही, क्या है C1V, Q2 की क्या है, ये रही, तो C2V, Q3 की क्या है, ये रही, क्या है C3V। अब आप अगर तीनों में वैल्यू में फोकस करें, C1V, C2V और C3V, तो V V V कॉमन ले लूं, तो जब आप इसको V को कॉमन ले लेंगे आपके पास बचेगा C1, C2 और C3। तो यहाँ पे भी V है और यहाँ पे भी V है, दोनों को क्या कर सकती हूँ मैं, कैंसिल आउट, और आपके जो CP की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी C1, C2, C3। ये आपका आ गया कि अगर आपके कैपेसिटेंस को पैरेलल जोड़ दिया जाता है और तीनों में आपके चार्ज की वैल्यू अलग हो, वोल्टेज आपकी सेम हो, तो जो कैपेसिटर की वैल्यू आएगी वो आएगी ये। कहने का मतलब अगर मैं आपको वैल्यू दे दूं कि आपके पास 2 फेराड का कैपेसिटर है, 3 फेराड का कैपेसिटर है, 5 फेराड का कैपेसिटर है, तो बताओ टोटल कैपेसिटर क्या, मतलब जो टोटल कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा। तो आप कहेंगे C1, C2, C3,
5 + 2, 5 + 3 = 2 कितने हो गए 10, तो हमारा टोटल कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा 10 फेराड। तो ऐसे ऐसे आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, इजी है ना। सिर्फ आपको मेन फोकस किस पे करना है कि अगर आपका पैरेलल है तो ये वैल्यू आएगी, और अगर आपका सीरीज है तो जो हमने सीरीज में किया है 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। समझ में आई आपके ये पूरा जो ग्रुपिंग है, ये पूरा का पूरा ग्रुपिंग हमने देख लिया है कि किस तरह से हमारी ये जो ग्रुपिंग होती है, कहने का मतलब हमारा जो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वो किस तरह से काम करता है। अब यहाँ पे बात आती है हमारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन की, कि ये बात तो हमारे समझ में आ गई कि हमारा जो इसमें चार्ज होता है, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो हमारा चार्ज होता है, जिसकी Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, वो डिफरेंट है। तो हमने सिंपली उसकी क्या कर ली, वैल्यूज को फाइंड आउट करने का सोचा। फाइंड आउट किससे करेंगे, जिससे हमने सीरीज का फाइंड आउट किया था, इसका मतलब हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का उससे। इससे हमने क्यू की वैल्यू निकाली, जस्ट CPV Q1 की निकाली, Q2 की निकाली, Q3 की निकाली, तीनों वैल्यू को हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पुट कर दिया और हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे जो मेन जो हमारे पास रीजन बनता है, या फिर मैं ये कहूँ कि जो मेन क्वेश्चन बनता है, जो आपसे पूछा जा सकता है आपके या तो गवर्नमेंट एग्जाम्स में या फिर आपके इंटरव्यू में, जब आप प्लेसमेंट के लिए जाओगे या फिर आप जब इंटरव्यू देने जाओगे तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए आपके पास कैपेसिटेंस है तो मुझे ये बताओ कि किस में आपका जो कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज होगा, किस कॉम्बिनेशन में, और किस कॉम्बिनेशन में आपका वो इंक्रीज होगा। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो हमें क्या बताता है कि ये बिल्कुल सामने है। अगर आप लोग पैरेलल में बहुत सारे कैपेसिटेंस जोड़ोगे, यहाँ पे तो सिर्फ 3 है, अब 3 की जगह 7, 8, 9, 10 कितनी जोड़ लो, मान लो मैंने n कैपेसिटेंस जोड़ दिए, तो जितने आपके पैरेलल में कैपेसिटेंस जुड़ेंगे उतने ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। तो हमें इसके फाइनल रिजल्ट से, पैरेलल कॉम्बिनेशन के फाइनल रिजल्ट से क्या पता लगा कि कैपेसिटेंस जो है वो पैरेलल में इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीमेंट ले आता है, कहने का मतलब कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है। यानी कि जो जिस डिवाइस में आप पैरेलल क्या कर देंगे, कॉम्बिनेशन कर देंगे कैपेसिटेंस का, उसमें बहुत सारा चार्ज क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, और आप उसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मतलब होता है हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन का, आसान है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो आपसे क्वेश्चन किस तरह से घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। वो आपसे या तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि अगर हम लोग सीरीज में कंबाइन करें किसी कैपेसिटेंस को, तो उसकी कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या उसके कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर आपसे पूछ लेंगे कि अगर हम लोग कॉम्बिनेशन बनाए, यानी कि बहुत सारे कैपेसिटेंस ले ले और उनको पैरेलली जोड़ दे, तो उसके कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, या फिर आपसे पूछ लेंगे कि मुझे क्या करना है, बहुत सारा कैपेसिटी चाहिए, बहुत सारा कैपेसिटेंस चाहिए, तो जरा मुझे एडवाइस करना मैं क्या कॉम्बिनेशन बनाऊं। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए बच्चा लोग कि जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, अगर आपको ज्यादा कैपेसिटी चाहिए तो कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये चीज समझ में आई। तो इस तरह के जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि आपको इस तरह के क्या करने हैं, सिस्टम को अपनाना है। अब आप खुद देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट, अब आप खुद सोच के देखो, अगर एक फ्रेंड है, अब आप सोच रहे हो ये कॉम्बिनेशन करने क्यों है, क्या करना है हमें कॉम्बिनेशन करके, ठीक है ना, एक कैपेसिटर बना दिया, ठीक है लगा लेंगे, यूज हो जाएगा, फैन में ही तो चाहिए। नहीं भाई, आपको क्या लगता है सिर्फ एक ही डिवाइस है क्या, बस एक ही डिवाइस काम कर रहा है हमारी पूरी दुनिया में? ऐसी ऐसी मशीनें हैं जिनकी वजह से बनने वाली चीजों को आप एवरीडे लाइफ में यूज कर रहे हो, और वहां पे इतनी ज्यादा कैपेसिटर की जरूरत होती है। अब जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, नेक्स्ट जब मैं लेक्चर बताऊंगी आपको, तब बताऊंगी यूजेस ऑफ कैपेसिटर, और आप सोचेंगे OMG, इतने ज्यादा यूजेस और इतनी बड़ी बड़ी जगह पे, हमने तो सोचा ही नहीं था। तो आप क्या देखो, आप खुद ये देखो कि हमें इन सब की नीड क्यों पड़ी, कॉम्बिनेशन क्यों बनाना पड़ा। ये चीज तो हमारे स्टार्टिंग में ही समझ में आ गई थी कि कैपेसिटेंस क्यों चाहिए, चाहिए हमें क्योंकि हमें चार्ज स्टोर करना है,
चार्ज स्टोर करने को मिल जाए, इससे अच्छा और है ही क्या, क्योंकि चार्ज से ही तो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि कैपेसिटर्स क्यों चाहिए, लेकिन ये कॉम्बिनेशन का क्या चक्कर है। तो भाई अगर आपका छोटा डिवाइस है, सिर्फ आप कूलर की बात कर रहे हो जो सिर्फ आपके ही रूम में आपको हवा दे सकता है, अगर उसको खुली जगह में रखोगे सारी जगह में हवा थोड़ी ना दे देगा। अगर आप फैन की बात करो तो फैन जितने एरिया में लगाया गया बस उसमें ही क्या देगा हवा, ये थोड़ी ना किसी और के घर में हवा दे आएगा। लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं अपनी अर्थ पे, अपने कंट्री में भी, कि जिनको बहुत ज्यादा वे में क्या चाहिए, कैपेसिटी चाहिए, बहुत ज्यादा वे में चार्ज स्टोर करना है। तो उस कंडीशन में एक कैपेसिटर से काम नहीं बनता, बहुत सारे कैपेसिटर लगाने पड़ते हैं। और बहुत सारे कैपेसिटर तो हमने ले लिए, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए, और खासकर तो आपको, क्योंकि आप डिप्लोमा कर रहे हो, आपको आगे चल के इन सब चीजों की नीड होने वाली है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटेंस है, बहुत सारे कैपेसिटर है, तो उनको किस तरह से हम लोग कंबाइन करें, किस तरह से उनको जोड़े कि वो हमारी नीड के अकॉर्डिंग काम दे। तो आपको तभी पता होगा ना जब आप ये पैरेलल और सीरीज वाला कॉम्बिनेशन अच्छे से कर लोगे, जब इसको पढ़ लोगे, जब इसकी प्रैक्टिस कर लोगे। अगर आपको पता ही नहीं है तो वो होता है ना कि सोर्स तो बहुत ज्यादा है पर दिमाग नहीं है कि कैसे यूज करना है, कहाँ कैसे उसको इस्तेमाल करना है। तो आपके पास दिमाग है, सोर्स में मतलब सोर्स है दिमाग। अब मैंने थोड़ा सा मतलब नॉलेज, दिमाग तो आपका खुद का है, नॉलेज थोड़ी सी मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है कि अगर आपके पास बहुत सारे कैपेसिटर है, बहुत सारे कैपेसिटेंस है, तो आप उनको कैसे यूज कर सकते हो। जस्ट दो तरीके से, एक आपका पैरेलल हो जाएगा, एक सीरीज हो जाएगा। दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, सीरीज में तो आपका डिक्रीज हो जाता है और पैरेलल में आपका इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारा सिस्टम भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम उनको यूज कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे खत्म होता है हमारा कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन, जिनमें हमने सीखा है कि एक सीरीज होता है, एक पैरेलल होता है। सीरीज में अगर कॉम्बिनेशन बनाओगे तो वो आपका आपको निराश कर देगा और क्या हो जाएगा, आपका कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन किया तो वो आपकी गर्दन को ऊपर कर देगा, आपका सीना बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कहने का मतलब हम लोग किसको प्रेफरेंस देते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन को। ठीक है भाई, तो यहाँ पे सीरीज पैरेलल खत्म होता है ये टॉपिक। अब हम करेंगे इसके यूजेस नेक्स्ट लेक्चर में। उन यूजेस को करने से पहले अच्छे बच्चों की तरह अपना सीरीज और पैरेलल दोनों का डेरिवेशन, और जो आपका ये यहाँ पे थ्योरेटिकल जो हमारा मीनिंग है, जो थ्योरी पार्ट है, इसको आप कंप्लीट करेंगे। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए तो हम यहाँ पे हैं, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ी सी चिंता मैं आपको दे देती हूँ आज, छोटा सा काम और एक्स्ट्रा दे देती हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अच्छे बच्चों की तरह चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑन कर दो, और चैनल को फटाफट से अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने कजन्स के साथ, जो भी हैं सबके साथ फटाफट से उसको शेयर कर दो, ताकि उनको भी ये सब सीखने को मिले। कितनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि कैपेसिटर है, चार्ज को स्टोर करता है, और किस तरह से हम उनको कॉम्बिनेशन करके किस तरह से उसकी प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को डिक्रीज कर सकते हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग। तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दो अगर पसंद आई हो तो। नॉट श्योर आपको पता है कि पसंद आई है या नहीं, आपको समझ में आई है या नहीं, बस मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा। तो मेरे मोटिवेशन को थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए आप ये छोटा सा कष्ट कर सकते हो, अपनी फिंगर से कष्ट करा सकते हो। जस्ट आपको क्या करना है, लाइक बटन पे, थम्स अप बटन पे क्या करना है, क्लिक करना है, और मेरे पास मेरा मोटिवेशन आ जाएगा। तो चलिए फिर मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने जितने भी नोट्स हैं वो सारे कंप्लीट कर लेना, यहाँ तक एक भी स्किप मत करना। कभी सोचो कल कर लेंगे, कल कभी नहीं आता है, ठीक है, तो अभी कर लो। चलिए फिर अब मैं आपसे अलविदा चाहूंगी, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।